हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डाटा का अंदाजा लगाने अप्रोक्सीमेशन के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। आजकल चंपापुर में सभी बच्चे दिन भर फोन का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए बड़बोले चाचा ने एक अनोखी तरकीब लगाई है। उन्होंने बच्चों से कहा कि वो हर 4 दिनों में बच्चों द्वारा फोन पर बिताए औसतन समय को दर्ज करेंगे। 24 दिनों के बाद अगर बच्चों द्वारा फोन पर बिताए समय में कोई कटौती होती नजर आई तो वो सभी बच्चों को सैर पर लेकर जाएंगे। चाचा ने इसके लिए एक चार्ट बनाया है। चाचा ने चार्ट की खड़ी रेखा पर समान अंतर पर घंटों की संख्या दर्शाई है और आड़ी रेखा पर समान अंतर पर दिनों की संख्या लिखी है। फिलहाल बच्चे हर रोज औसतन 5 घंटे 20 मिनट फोन पर बिताते हैं। इसे चाचा ने खड़ी रेखा पर इस तरह से बिंदु बनाकर दर्शाया है। अब चाचा हर 4th दिन बच्चों द्वारा फोन पर बिताए औसतन समय को इस तरह से चार्ट पर दर्ज करने लगे। चाचा ने 24 दिनों तक बच्चों द्वारा फोन पर बिताए समय को दर्ज कर लिया। 24 दिन पूरे हो गए। चलो मैं इस चार्ट को देखकर पता लगा लूं कि किन दिनों के बीच बच्चों द्वारा फोन पर बिताए समय पर सबसे ज्यादा कटौती हुई है। बच्चों, क्या आप इस चार्ट को देखकर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका हल ढूंढ सकते हैं। 20 और 24वें दिनों की बिंदुओं की ऊंचाइयों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा है, इसलिए 20 और 24वें दिनों के बीच बच्चों द्वारा फोन पर बिताए समय में सबसे ज्यादा 1 घंटा 30 मिनट की कटौती हुई है। 10वें दिन बच्चों ने लगभग कितना समय फोन पर बिताया होगा? बच्चों, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं? हम इस तरह से 8वें और 12वें दिनों की बिंदुओं को एक सीधी रेखा से जोड़कर इसका हल ढूंढ सकते हैं। 10वें दिन की खड़ी रेखा इस सीधी रेखा को मिलकर लगभग 3 घंटे और 40 मिनटों की ऊंचाई का बिंदु बना रही है, इसलिए बच्चों ने 10वें दिन लगभग 3 घंटे और 40 मिनट फोन पर बिताए होंगे। 5वें दिन और 8वें दिन के बीच बच्चों द्वारा फोन पर बिताए समय में कितनी कटौती हुई? चाचा के इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए पहले हमें 5वें दिन पर बच्चों द्वारा फोन पर बिताए समय का अंदाजा लगाना होगा। हम इस तरह से 4थे और 8वें दिनों की बिंदुओं को एक सीधी रेखा से जोड़कर फिर 5वें दिन से एक खड़ी रेखा बनाकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। 5वें दिन की खड़ी रेखा इस रेखा से 4 घंटे और 50 मिनट पर मिल रही है। अब हमें चाचा के प्रश्न का हल ढूंढने के लिए केवल 5वें दिन के समय की संख्या में से 8वें दिन के समय की संख्या को घटाना होगा। इस तरह 5वें दिन और 8वें दिनों के बीच बच्चों द्वारा फोन पर बिताए समय में 30 मिनटों की कटौती हुई है। चाचा इस बात से बहुत खुश हैं कि बच्चों ने अब फोन पर समय बिताना इतना कम कर दिया है
और अन्य खेल कूद और पढ़ाई में ज्यादा समय बिताने लगे हैं। चाचा अपने वादे के अनुसार बच्चों द्वारा फोन पर बिताए समय में कटौती देखकर उन्हें सैर पर ले गए। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा डाटा का अंदाजा लगाने अप्रोक्सीमेशन के बारे में और जाना।